नहीं है, जैसे मैं बिल्कुल भी सलवार कमीज में या साड़ी ब्लाउज में मुंडी झुका के वैसी बिल्कुल भी नहीं है, और ये मेरा कैरेक्टर ही नहीं है. बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है मेरा, जैसे कि ये बहुत ही इन द फेस, बहुत मूवफट और बिल्कुल फिल्टर्ड थॉट्स नहीं, अनफिल्टर्ड थॉट्स है उसके, और बहुत ही रियलिस्टिक लड़की है, इमोशनल भी है. शी इज लाइक अ कोकोनट, हार्ड फ्रॉम आउटसाइड बट सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड. सो या तो सुना, जैसा कि आपने बताया कैरेक्टर में जहाँ से बिलोंग करती हैं, आजकल के एक्टर्स उनको जो ब्रीफ दिया जाता है वो वही करने लगते हैं, तो आप दिल्ली गई? जी जी, मैं दिल्ली गई नहीं थी. आई एम सॉरी, आपका सवाल. आप इस पापा भाई चांस में दिल्ली गर्ल प्ले कर रही हैं जी, तो आप अपने कैरेक्टर के लिए वो एक्सेंट पकड़ा हुआ, उन लोगों से मिली होंगी जी, जी. प्रिपरेशन कैसे रही? जैसे कि जब मैंने ये शो के लिए सबसे पहले ऑडिशन दिया था सर, इट्स लाइक सभी को काम ठीक लग रहा था, बढ़िया लगा था, बट एक ऐसा था कि मेरा लहजा जो है वो बहुत ही बम्बई आया, बिकॉज आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे. मैं कभी दिल्ली गई भी नहीं हूँ. पहले मुझे ऐसे बोला गया था, ऐसे इनपुट फीडबैक मिला था कि तुम थोड़ा दिल्ली साउंड करना पड़ेगा तुम्हें, तो मैंने कुशा कपिला को बहुत फॉलो किया है. शी हैज ओन यूट्यूब चैनल एंड शी टेक्स ऑल द दिल्ली गर्ल्स, सो या फॉलो दैट. अब वॉच द लॉट ऑफ दिल्ली शोज, और जो मेरे को एक्टर्स हैं, जैसे कि जो मेरी मॉम का रोल प्ले कर रही हैं, और जो प्रिया है हमारे शो पर, वो सब दिल्ली से हैं, तो उनकी मदद लेकर थोड़ा बहुत इधर उधर से करते करते. तो अभी सिर्फ पायलट शूट हुआ है या फिर कुछ एपिसोड्स भी शूट हो चुके हैं? जी नहीं, हमारी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है. 20 अगस्त से शो आने वाला है, तो ऑफकोर्स हमने एपिसोड्स तो शूट करके रख ही है, बट या तो any final words for your viewers ke kya kyun dekhe papa bhai chance, isme saas bahu hai nahi. Bilkul aapko papa bhai chance isliye dekhna chahiye kyunki isme saas bahu bilkul nahi hai. Jaise aap dekhte hain ki har jagah hum hamesha auraton ko importance dete hain, yaar hamesha wahi ladkiyon ke sath hi kuch zulm dha rahe hain, unpe kuch galat ho raha hai unke sath, but is show mein aisa bilkul bhi nahi hai. Jitna bhi galat ho raha hai na, ye bacche bade ke sath, yuvan ke sath karne wale, wo uski puri band bajane wale hain, aur ye show mein it's not just drama, it's कॉमेडी एंड ड्रामा. सो यू नो दिस इज व्हाई यू शुड गिव इट अ शॉट. ओके सना जी, मेरे एक पत्रकार मित्र आपसे एक सवाल शुरू से करना चाह रहे हैं. आपको बच्चे से कितना प्यार है? आई लव किड्स, किड्स लव मी, आई एम अ किड मैग्नेट. ये रियल लव है या फिर कहानी में घिर यही है? कहानी में नहीं, कहानी में इनिशियली ऐसा नहीं है कि अमृत कोई छुड़ैल है, उसे बच्चे नहीं पसंद है, हाय ऐसे नहीं है, बिल्कुल भी बच्चे पसंद है, बट प्रॉब्लम ऐसा है कि वो थोड़ी हेजिटेंट होती है स्टार्ट में ये सारी चीज़ों को लेकर, बट इन दी एंड आपको भी देखने मिलेगा कि मेरा कैसा एंगल है बच्चों के साथ. युवा के साथ साथ आपको भी कभी बच्चों ने प्रॉब्लम किया? मस्ती मजाक आपके साथ? मस्ती मजाक तो शो में परेशान गया शो में या नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं. आप देखो, आपको शो देखना पड़ेगा. बात की बच्चों के साथ, कहता आपका बॉन्डिंग था? बच्चे हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं, लाइक जैसे मेरे साथ ही खेलते रहेंगे, मेरे साथ ही गेम्स खेलते हैं, हम गेम्स खेलते हैं, हम भागा दौड़ी करते हैं, हम स्टोरी शेयर करते हैं, तो यार द किड्स लव मी, आई लव द किड्स. थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच, कामना मुबारकबाद आपको. थैंक यू. ये लोग क्यों देखे साथ बोलते हैं? अच्छे से कवर करो, ये प्रमोट करना है, हमें प्रमोट करना चाहिए. चलो अच्छा, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और क्या कैरेक्टर को जानना चाहिए? मैं अरुष्पा खान हूँ और मैं प्ले कर रही हूँ गुनगुन का कैरेक्टर, जो बहुत ही नटखट है, बहुत दादी जैसी है. नटखट थोड़ी ना, दादी वो नटखट, दादी हो तो वही है ना नटखट. मैं दादी हूँ और बहुत मेन हूँ घर की, मतलब मैं हूँ तो मैं हूँ, मैं नहीं तो कोई नहीं, मतलब मैं जो करना चाहूँगी वही होगा, और मैं बहुत सीखती हूँ. ऐसा नहीं है तो हम भी पैदा नहीं हुए, ऐसा नहीं होता. हम सही नहीं, नहीं बहुत गलत है. अगर ये पैदा नहीं हुई तो हम इनसे पहले पैदा हुए हैं. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सिद्धार्थ, मैं इसमें धोनी का कैरेक्टर कर रहा हूँ, और इनकी जो बात है ना वो बहुत गलत बात है, क्योंकि अगर ये पैदा नहीं हुई तो हम कैसे पैदा नहीं होंगे? हम पहले पैदा हो सकते हैं, गलती से हमसे पहले पैदा हो गई है. इसके लिए क्या करेंगे, एफआईआर कराएंगे पुलिस में? नो नो, अब तो कंप्लेन लिखाएंगे. अच्छा मैं अपने पापा को एंजल बुला दो, एंजल भैया मुझे ये दिला दीजिए, एंजल भैया मुझे वो दिला दीजिए. हेलो, माय नेम इज ईशान भानुशाली एंड माय कैरेक्टर नेम इज उल्लू इन पापा बाय चांस, और मेरा कैरेक्टर एकदम बिंदास है, एकदम सनी देओल टाइप है, मतलब सनी देओल.
कैरेक्टर नेम, और उसमें मैं एकदम दादागिरी करता हूँ और बहुत सारी चीज़ें, और मेरे उसमें मेरा फेवरेट डायलॉग है, यस दिस इज माई डायलॉग, एंड प्लीज देखिए हमारा शो अपा बाई चांस। हम अपनी खुद की तारीफ तो कर नहीं सकते, हमारी तारीफ हमारे फैंस करे तो अच्छा लगता है, हम एक दूसरे की कर सकते हैं। मेरे स्कूल में मेरी पूरी क्लास मेरी ही तारीफ करती है, हमारे मेरे बहुत फैंस है जो मेरी तारीफ करते हैं, बहुत मैसेजेस आते हैं मुझे रोज हजारों में। मैं ये सच्चे दिल से कहना चाहूंगी, सॉरी मैं सबको नहीं पढ़ पाती हूँ सबके मैसेजेस, मैं इतने आते हैं ना तो मैं जितने हो सकते हैं पढ़ती हूँ, और थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मैं इधर इसके लिए आया हूँ, मेरे पापा की वजह से और मेरी मम्मा की वजह से, मेरे पापा और मम्मा ने एकदम मेरे पीछे ही वर्कआउट किया, उन्होंने अपना काम छोड़ दिया मेरे लिए, और अगर मैं अपने पापा की वजह से ही इधर हूँ, अगर मेरे पापा नहीं तो मैं भी इधर तक आज पहुँच नहीं सकता, अगर पेरेंट्स नहीं तो हम भी नहीं। मेरे पापा मम्मी दोनों की मेहनत से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मैं उन दोनों को थैंक करना चाहूँगा, और उन पापा मम्मी को भी थैंक करना चाहूँगा कि जो जिनके बच्चे एकदम बड़े हैं, और मतलब और मैं उनको ये और मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि हम अगर आप बच्चों अपने बच्चों को कोई सीरियल या किसमें शूटिंग लाइन में आने नहीं देना चाहते हो तो प्लीज़ उन्हें आने दीजिए, क्योंकि उनका भी बड़ा मन होता है और पढ़ाई भी होती रहती है हम तीनों की सेट पे, तो प्लीज़ अपने बच्चों को भी आने दीजिए। आप ये मत सोचिए कि हम अगर हमने एक्टिंग में डाला तो उनकी पढ़ाई कैसे होगी, हम शूटिंग में भी पढ़ाई कर सकते हैं, हम शूटिंग में ट्यूशन कर सकते हैं, इजी। तो हमारा शो देखिए पापा बाय चांस ऑन सैटरडे 7:00 मंडे टू सैटरडे फ्रॉम 20 अगस्त, जरूर देखिए। मैम अभी पायलट दिखाया गया व्यूअर्स को, और क्या रिएक्शन मिले हैं और कितनी उम्मीद है पापा बाय चांस? हर शो से हमें हमेशा ही उम्मीद होती है, हम हमेशा ही ऑडियंस के लिए कुछ अलग बनाने की कोशिश करते हैं, और ये शो भी काफ़ी अलग है, एक लाइटर नोट पे बनाया गया है इसे, लेकिन इसमें रोमांस भी है ड्रामा भी है, सो आई एम श्योर लोग ज़रूर देखें। मोस्ट ऑफ सीरियल्स में सास बहू ड्रामा दिखाया जाता है, ये कितना अलग रहेगा और क्या यूनिक बात है इस शो की? पापा बाय चांस एक फैमिली की स्टोरी है, फैमिली के अपने स्ट्रगल्स, इमोशनल कॉमिकल, बच्चों के साथ हमारे आपस की सारी स्ट्रगल्स, तो एक फैमिली की स्टोरी है, सो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट, एक ऐसा जॉनर नहीं है कि सास बहू की स्टोरी है या इसकी, इट्स अ फैमिली स्टोरी, एक फैमिली और उसके सिचुएशंस, और फैमिली कैसे एक साथ रहती है या अलग हो जाती है या कैसे रिएक्ट करती है, ये शो इसके ऊपर है। जैसा कि रिलेशन बच्चों का अपने फादर के साथ दिखाया जा रहा है पापा बाय चांस, आप कैसे एज एन किड आप बचपन में कैसी थी और क्या क्या आपको रिकॉल होता है जब आप बैक टू द पास्ट जाते हैं और अपना बचपन याद करते हैं? मेरा बचपन आई थिंक आई वॉज अ वेरी स्टूडियस किड, ये बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं, मैं इतनी मस्ती तो नहीं करती थी, आई वॉज अ क्वाइट किड, एंड या आजकल के बच्चे काफ़ी स्मार्ट है, अगर मुझे इस एज ग्रुप में अगर तभी बोलते कोई कि कैमरे के सामने आके एक्टिंग करो, मैं तो नहीं कर पाती, बट इट्स कमेंडेबल द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट दे हैव टुडे। शूट के अलावा आप लोग कैसा था माहौल ऑन लोकेशन और किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बात हुई, किस तरीके से मस्ती हुई? वैसे काम ज़्यादा है तो ज़्यादा बात करने का मौका नहीं मिलता, और जो भी थोड़ा मौका मिलता है उसमें हम वी वॉन्ट टू कंजर्व आर एनर्जी, बिकॉज 12 आवर्स बच्चों के साथ शूट करना, बच्चों की एनर्जी भी कंजर्व करनी पड़ती है, वरना काम निकलना मुश्किल हो जाता है, सो आई थिंक बट बेसिक ये होता है कि एक्शन बोलने के बाद जो एनर्जी एक्सचेंज है वो पॉजिटिव हो, और वो पॉजिटिव है, सो आई थिंक इट्स क्वाइट नाइस। व्यूवर्स ने हमेशा ही मेरे हर शोज को सपोर्ट किया है, मेरे हर कैरेक्टर्स को उन्होंने याद रखा है, और इसीलिए मैं पहले तो थैंक यू कहना चाहूँगी, एंड देन आई वॉन्ट टू टेल देम दैट प्लीज़ शावर योर लव ऑन पापा बाय चांस 20 अगस्त से स्टार भारत पर सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे। कैरेक्टर बड़ा प्यारा है, दिल्ली का फुल ऑन फुल डूड है भाई, अभी आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा 20 अगस्त तक स्टार भारत पर शाम 7 बजे, फुल फन करता है भाई, फुल ऑन ब्लड करता है, कैसे क्यों आ जाते हैं भाई, परेशान हो गए हमें, ऊपर से गिरे खजूर के पेड़ पे अटके और वो खजूर के पेड़ है पापा, और हम खजूर के पेड़ से उतर भी गए, नहीं उतरे हैं, निकल गए ना, नहीं उतरे हैं ना, खजूर के पेड़ तो यही है ना, इनसे गिर जाएंगे तो फिर क्या मतलब भाई, पापा
इन बच्चों के साथ काम करने का कैसा लगा? थोड़ा बूम थोड़ा ऊपर करो ना, आगे आगे कुछ बताना चाहिए। फ्रैंक हुआ ऑन द सेट, जान खाते बहुत ज्यादा सेट पे, तो इन्होंने मतलब कभी भी एक्सप्रेस पे रखी है, पता नहीं मुझे इनको बहुत ज्यादा इन बच्चों के कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। दादी हमारे बीबी हमारे साथ तो कभी खेलते नहीं और हमारी बुराइयां करते रहते हैं। हम इनकी बॉडी जोर से गाल खींचते हैं ना, फिर भी बोलते हैं हम परेशान करते हैं। पेट में कुत्ता मारते ना, फिर भी बोलते परेशान करते हैं। ऐसे परेशान होता ही परेशान नहीं करते। कितने प्यारे बच्चे ये दिख तो रहा है, बहुत प्यारे प्यारे बहुत प्यारे बदल के ला जाते प्यारे। हाँ जी, अगर वो ऊपर करो ना, हमारा मतलब बबलू डब्लू खाने को मिलते लड्डू।